मोहतरम नादिरीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि मौत के बाद इंसान जो है वो पांच हिस्सों में तकसीम हो जाता है, या अगर यूं कहें कि इंसान की जो अज्जा हैं, इंसान के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं, ये पांच हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। एक इंसान के अंदर रूह है, सांस है जो इंसान लेता है। जब इंसान ये दुनिया छोड़ जाता है, मौत तारी हो जाती है, तो उस वक़्त रूह जो है वो मलकुल मौत लेकर चला जाता है और दूसरा इंसान के साथ मिली हुई चीज़ माल है, जो इंसान की मिल्कत है, जो उसकी धन दौलत है, ये उसके जो वारिसीन हैं वो लेकर जाते हैं। एक मर्तबा की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि ऐ मेरे साहबियों, मुझे बताओ कि एक आदमी वो मरजुल मौत में है, उसका आखिरी वक़्त है, अब उसके तीन भाई हैं, वो उसके पास आते हैं, एक से वो पूछता है कि तू मेरा कहाँ तक साथ देगा, वो कहता है कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा और इसी तरह मैं जो है आपकी खिदमत करूंगा, और दूसरे से पूछता है, वो कहता है कि अगर आप मर गए तो फिर मैं जो है आपके कफन दफन इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करूंगा, आपको साथ ले जाकर कब्र में दफन करूंगा, फिर वहां से वापस चला आऊंगा। तीसरा भाई कहता है कि मैं जो है आपके ये तमाम की तमाम बातें करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं कब्र में भी आपके साथ चलूंगा। तो फरमाया कि इनमें से अच्छा भाई कौन है, तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जाहिर बात है कि अच्छा भाई वही है जो उसके साथ जाना चाहता है। फरमाया कि इंसान जो है उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, ये तमाम के तमाम उस भाई की तरह हैं जो इसको कफन दफन का तो बंदोबस्त करता है, लेकिन फिर जो है वो फकत उसको उठाकर कब्र में डालते हैं, वहाँ से वापस चले आते हैं। माल मिलकत वो उस भाई की तरह है जो घर में ही उसे रुख्सत करता है, बाकी इसके जो नए कामाल हैं वो तीसरा भाई है जो इसके साथ चलता है। यानी कब्र के अंदर जो है वो फकत इंसान के नेक आमाल चलते हैं, बाकी जो भी औलाद हो, माल मिलकत हो, सब कुछ औरों का हो जाता है। एक हदीस में आता है ना कि इंसान जब तक जिंदा है तो कहता है कि मेरा माल, मेरा घर, मेरी गाड़ी वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो मरता है तो फिर वो माल भी औरों का हो जाता है। मरने के वक्त कहता है कि फुला माल फुला को दे देना, वो माल उसको दे देना, लेकिन जाहिर बात है कि जब वो मरता है तो इसके माल में अब औरों का हक हो जाता है, ये माल इसका नहीं रहता, इसके वारिसीन का हो जाता है। तो दूसरी चीज़ जो माल है वो तो जाहिर बात है कि वारिसीन ले जाते हैं। तीसरी चीज़ इंसान का गोश्त है, हमारा जिस्म है, ये हमारा गोश्त, इसको जब कब्र में डालकर वारिसीन वापस चले आए तो उस गोश्त को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। कब्र के अंदर हमारे जिस्म को कीड़े, सांप, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कब्र के अंदर वो जिस्म को खाकर फना कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। और इसी तरह हड्डियां जो हैं वो कुछ वक़्त तक रहती हैं, लेकिन फिर हड्डियां जो हैं उनको भी मिट्टी जो है वो खा जाती है, हड्डियां भी ख़त्म हो जाती हैं। और नेकियां जो हैं, नेक आमाल जो हैं, अगर किसी से इसने कर्ज लिया है, किसी को इसने गालियां दी हैं, किसी की गीबत की है, किसी के बारे में हसद किया है, किसी पर तोहमत लगाई है, या इस तरह के और गुनाह, बदगुमानी किसी के बारे में की, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आप मुफलिस किसको कहते हो,
तो साहबा ने अर्ज किया कि जिसके पास माल दौलत न हो, फरमाया कि मेरी नज़र में ये मुफलिस नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में वो आदमी मुफलिस है जो माशर के मैदान में आए, उसके पास बहुत सारी नमाजें हों, उसके पास सदका हो, उसके पास जक़ात हो, उसके पास हज हो, उम्रे हों, इसी तरह उसके नामे आमाल में बहुत सारी नेकियां मौजूद हों। एक आदमी आए आकर कहे कि ऐ अल्लाह इसने मेरी गीबत की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों से उठाकर जिसकी उतनी जिसकी इसने गीबत की थी उसको उतनी नेकियां दे देते हैं। फिर दूसरा आकर कहता है जुल्म किया, तीसरा आकर कहता है ये किया वो किया। अलगज फरमाया कि महशर के मैदान में बहुत सारी नेकियां लेकर आया था, लेकिन आखिर में जब वो वहां खड़ा तो उसके पास नेकी एक भी नहीं थी। कर्ज खा जो थे वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर जो नेकियां जब नहीं बचती तो उनकी जो बुराइयां हैं वो उठाकर इसके सर पर डाल दी जाती हैं, फिर बहुत सारी इसकी बुराइयां हो जाती हैं और इसको जो है उठाकर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाता है। यानी वो खुश हो रहा है कि मेरे पास नेकियां ही नेकियां हैं। हम देखें नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अजकार करते हैं और इसी तरह नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद का अहतमाम करते हैं, इसी तरह हम जो है इशराक अवाबीन और इसके अलावा जो भी चाश्त की नमाज है और नवाफिल हैं बहुत सारा हम अहतमाम करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो हम नहीं छोड़ते, मिसाल के तौर पे किसी से हमारी नहीं बनती तो हम जो है उसके साथ उसके बारे में लोगों को बुराइयां बयान करना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये नहीं सोचते कि अगरचे हम बयान करते हैं हमारा दिल तो ठंडा हो रहा है, आखिरत में हमें कितना नुकसान होगा। हम ये नहीं सोचते कि हम उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी नेकियां बढ़ रही हैं, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शायद मैंने पहले भी किस्सा बताया था। एक आदमी था कि जो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की गिला गीबत किया करता था, तो हजरत जो है हर रोज उसे कुछ अशरफियां भेज दिया करते थे। तो किसी ने कहा कि हजरत वो तो आपके बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज बोलता है, आपकी गिला गीबत करता है, फिर भी आप उसके साथ इतना एहसान करते हैं। फरमाया कि मियाँ समझते नहीं हो, वो मेरी आखरत का फायदा कर रहा है तो कम अज कम ये मेरे ऊपर फर्ज है कि दुनिया का तो फायदा मैं करूं। तो हमें जो है दुनिया तो यूं समझे कि रह गुजर है। एक मुसाफिर यहाँ से मिसाल के तौर पे हम यहाँ थरपारकर से जाते हैं कराची के तरफ, इस्लामाबाद के तरफ, हमारा कोई काम है। अब वहाँ हम बंगले तो नहीं बनाएंगे, हम अपने काम के सिलसिले में गए हैं। काम जैसे ही होगा हमें ये कोशिश होगी हमारी कि जैसे ही हमारा काम हो जाए और हम वापस चले जाएं। तो इसी तरह ये दुनिया भी एक रह गुजर है। कोई 10 साल रहता है, 20 साल रहता है, 30 साल रहता है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। तो हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है, जो न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हो, वो तो मरने के बाद की ज़िंदगी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अक्लमंद वही है जो मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करे। अल्लाह ने फरमाया खलकल मौत वल हयात, मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। यानी मौत यूं ये जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी को बाद में ज़िक्र किया, मौत को पहले ज़िक्र किया। यूं समझें कि दुनियावी जो ज़िंदगी है, मौत ये जो मौत है ये आखरत की ज़िंदगी का मुकदमा है। असल जो हमारी ज़िंदगी शुरू होने वाली वो आखरत वाली ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो हमेशा हमेशा होगी। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए जहाँ हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जिसकी तमन्ना करेंगे वो हमारे सामने आ जाएगी। शर्त ये है कि हम यहाँ दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके जाएं। तो और इसी तरह जो इंसान के पास बाकी चीज़ रह जाती है वो ईमान है। ईमान इंसान के पास बाकी रह जाता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो
मिसाल के तौर पे रूह मलकुल मौत लेकर गया, माल वारिसीन लेकर गए, गोश्त कीड़े मकोड़े खा गए, इसी तरह हड्डियां वो मट्टी ने खा ली, इसी तरह नेकियां कर्ज खा वो लेकर गए, बाकी ईमान रह जाता है। और हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, कोई ऐसा हमारी जबान से जुमला न निकले कि ईमान हमारा चला जाए। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बोलने से इंसान को पता ही नहीं चलता, इंसान का ईमान चला जाता है। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद के बारे में कोई गुस्ताखाना लफ्ज कह दिया, या इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कोई गुस्ताखाना लफ्ज कह दिया, इसी तरह किसी कादियानी की सपोर्ट में हमने कोई लफ्ज कह दिया, इसी तरह हमने मिसाल के तौर पे कुरान मजीद को उल्टा सीधा इरादतन पढ़ लिया, जिस तरह लोग आमतौर पे मजाक में पढ़ लेते हैं, तो इसे ईमान सलब हो जाता है, ईमान सलब हो जाने का खतरा होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की फिक्र करें, आखरत में रहने वाली यही चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आमाल सालेह करने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।